हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं करने जा रही हूँ डिस्कस आपके साथ ये तीन टॉपिक्स, एडिशन ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एंड वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स। ये आपके प्लस टू क्लास का चैप्टर 10 है, उसके टॉपिक्स हैं, ठीक है, एक्सरसाइज 10.2 के। सबसे पहला आपका है एडिशन ऑफ वेक्टर। दो वेक्टर को आप कैसे ऐड करोगे, ठीक। मैंने कोई भी दो वेक्टर ले लिए, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो क्या, कैसे हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, इसके लिए क्या करना होगा। सपोज ये ए वेक्टर है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका टर्मिनल पॉइंट है, ठीक। ऐसे ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका टर्मिनल पॉइंट है। जब हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो इसका टर्मिनल पॉइंट और बी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ये इंटरसेक्ट करने चाहिए, टच करने चाहिए एक दूसरे को। तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, अगर दो वेक्टर ऐसे हैं तो इसका जो सम होएगा वो तीसरा वेक्टर क्या होएगा, ये एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा और उस ट्रायंगल की जो थर्ड साइड होगी वो इस ट्रायंगल का, वो इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन होएगा। तो वो हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और अगर हम वेक्टर्स को ऐसे ऐड करते हैं तो इसको कौन सा लॉ बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ। दो वेक्टर्स को ऐड करने पे जो सम आता है वो उस ट्रायंगल की तीसरी साइड होती है, ठीक है। ये है आपका ट्रायंगल लॉ। ऐसे ही है पैरेललोग्राम लॉ। आपके पास एक पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक है। इसमें आपके पास दो वेक्टर हैं, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। पैरेललोग्राम है तो ये भी ए होएगा और ये भी बी होएगा, ठीक। अब इन दोनों वेक्टर्स को अगर आपको ऐड करना है तो जो इनका सम होएगा वो भी एक वेक्टर आएगा और वो जो वेक्टर होगा वो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल आएगा। ये आएगा इन दोनों वेक्टर्स का सम, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जिन दो वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं उनका इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। ये है पैरेललोग्राम लॉ। और जब इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट मैच करते हैं तो बनता है ट्रायंगल लॉ, ठीक है। तो ये आपका हो गया ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। इसके बाद सेकंड टॉपिक है आपका कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। एक वेक्टर है, उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, एक वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, वो चीज इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक सेकेंड, इसमें प्रॉपर्टी रह गई है, प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, तो इसमें कम्यूटेटिविटी होल्ड होती है कि आपको बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करोगे तो उन दोनों का आंसर भी सेम आएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी है, इसमें एसोसिएटिविटी भी होल्ड होती है कि आप दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो और फिर तीसरे वेक्टर को उसमें ऐड कर रहे हो, वो इक्वल होगा क्या अगर आप फर्स्ट टू को ऐड कर रहे हो और फिर तीसरे को ऐड कर रहे हो, ये भी इसमें होल्ड होती है, ठीक है। ये इसकी थी प्रॉपर्टीज वेक्टर की। इसके बाद आता है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट्स के लिए हम जाते हैं 3D में। मैंने 3D प्लेन ले लिया ये, ठीक है, ओ ओरिजन हो गया ये, ठीक। इसमें हमने क्या किया, मैंने तीन पॉइंट्स ले लिए, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है z एक्सिस। x एक्सिस पे 1 यूनिट पे मैंने पॉइंट ले लिया, y एक्सिस पे 1 यूनिट पे और z एक्सिस पे भी 1 यूनिट पे मैंने पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो ये क्या आ गया एक आपके पास 1 यूनिट, अगर तीनों एक्सिस की आप लेते हो तो इसको मैंने नाम दे दिया, ये तीन पॉइंट्स है ए बी और सी। तो ओ ए जो है इसको मैंने नाम दे दिया आई, इसको मैंने नाम दे दिया जे और इसको मैंने नाम दे दिया के, ठीक है। और इन तीनों की वैल्यू यूनिट है इसलिए मैं इसको डिनोट कर देती हूँ यूनिट से। तो यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करते हैं कैप से, ठीक है। हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर और ये वाई एक्सिस के अलोंग और ये जेड एक्सिस के अलोंग कॉम्पोनेंट, सॉरी वेक्टर नहीं कॉम्पोनेंट, ठीक है। ये आई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, इनकी वैल्यू क्या है 1, 1 और 1। ये आपका जनरल में ले लिया हमने। अब हमें किसी भी वेक्टर को, तीन पॉइंट्स ले लिए मैंने x, y और z, इसमें तो हमने 1 यूनिट ली थी सबकी डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है, x, y और z, ठीक है। अगर जनरली हम लेते हैं x की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू -1, 2, 3, 5 या फिर z की वैल्यू कोई भी, जनरल पॉइंट ले लिया मैंने, उसको हम वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो जब हम x एक्सिस के अलोंग देखेंगे तो x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट होता है i, तो क्या हो जाएगा x i, इसमें हो जाएगा y j और इसमें हो जाएगा z k, ठीक है।
और अगर हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये एक वेक्टर बनेगा। पी कोई पॉइंट था, ठीक है, ओ ये ओरिजिन है, तो ये एक वेक्टर था जिसका नाम था आर वेक्टर, जिसके तीन कंपोनेंट है एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो अगर आपको उसको लिखना है तो आप उसको ऐसे लिखोगे, ओपी वेक्टर जो है उसकी वैल्यू है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। ये आपके पास इसके कंपोनेंट हो गया, इसके स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट दो होंगे। स्केलर कौन से हो जाएंगे, एक्स वाई और जेड, ये तो है स्केलर कंपोनेंट इस वेक्टर के, ओपी वेक्टर के। और इसके वेक्टर कंपोनेंट हो जाएंगे एक्स आई वाई जे और जेड के, ये इसके वेक्टर कंपोनेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी जनरल वेक्टर है उसके स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट आप बता सकते हो, ठीक है। और उसमें आई जे के क्या होते हैं, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है आपका वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स, इसमें आ जाएगा आपका कि कोई भी दो वेक्टर्स हैं उनको जॉइन करके अगर हम बनाएंगे एक वेक्टर तो उसको हम कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। ये मैंने एक 3D सिस्टम ले लिया, यहां P1 और P2 दो वेक्टर्स हैं, इसके कंपोनेंट हैं X1, Y1 और Z1, इसके हो जाएंगे X2, Y2 और Z2। तो P1, P2 वेक्टर, इन दोनों को जॉइन करने वाली एक वेक्टर आएगी उसको हम कैसे लिखेंगे। तो P1, P2 वेक्टर क्या आएगा, P2 के कंपोनेंट्स माइनस P1 के कंपोनेंट्स, तो हो जाएगा X2 माइनस X1 I प्लस Y2 माइनस Y1 J और प्लस Z2 माइनस Z1 K, ये आपका बनेगा P1, P2 वेक्टर, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड का वही फॉर्मूला होता है आपका, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर द रूट। कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, पी वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट, ये पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऐसे ही इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसके तीनों कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सम, तो ये हो जाएगा वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स। कोई भी दो वेक्टर्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे उनको जॉइन करने वाला जो वेक्टर होगा वो आप ऐसे निकालेंगे, ओके। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।